ये खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए नशे के कारोबार में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 पेटी अवैध नशीले कॉरेक्स कप सिरप को बरामद किया है। मामले की जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक नवीन तिवारी ने बताया कि पुलिस को मुखबिरों के द्वारा सूचना मिली थी। रथरा नहर के पास 2 युवक जो 4 पहिया वाहन से कॉरेक्स तस्करी करने में लगे हुए थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घेराबंदी करके इन तस्करों को रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपियों के कब्जे से 4 पेटी अवैध नशीली कॉरेक्स सिरप भी बरामद की गई, जिसकी कीमत 3,50,000 रुपए है। आइए मैं आपको बताती हूँ क्या है पूरा मामला। मैं हूँ सपना और आप देख रहे हैं प्रदेश। ये सब आपसे जानना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में नशे के विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या पूरा मामला है? ये थाना विश्वविद्यालय क्षेत्र अंतर्गत बीती रात्रि एक सूचना प्राप्त हुई कि एक सफ़ेद रंग की कार में कुछ मादक पदार्थ तस्करी के लिए लेकर जाया जा रहा है। तो उक्त शिकायत पर तत्काल नहर के किनारे जब सूचना प्राप्त हुई तो घेराबंदी की गई, जहाँ पर एक सफ़ेद रंग की कार मिली, जिसमें से एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाते हुए जंगल में भाग गया और जो एक आरोपी है जिसका नाम शारण आचार्य है उसको वहाँ से पकड़ा गया। इसकी गाड़ी से हमें 4 पेटी नशीली का सिरप बरामद हुई है और जिसकी कीमत करीबन 81,600 रुपये है और एक कार जिसकी कीमत तकरीबन 3,50,000 रुपये है बरामद किया गया। आरोपी के विरुद्ध कौन सी कार्रवाई की गई? आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट के विरुद्ध की जो तत्संग धारा है उसके अंतर्गत की कार्रवाई की गई। इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बरामद की गई नशीली कॉरेक्स सिरप को पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भी भेज दिया गया है। आप ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रदेश तक पर।